ऑर्गेनिक वैली के साथ आपका तारुफ कैसे हुआ? ये मैंने नेट के ऊपर देखा था, तो मैं फिर खुद इनके पास गया किला दीदार सिंह में, तो वहाँ जाकर पूरा सेटअप इनका देखा, तो उसके अंदर इन्होंने माशाल्लाह बहुत ऑर्गेनिक को वाकई तन जिस तरह होना चाहिए वैसे रखा हुआ था। उनकी खुराक, उनका माहौल, खुली जगह जिस तरह होना चाहिए था वैसे था माशाल्लाह। मुर्गियाँ माशाल्लाह ओपन एरिया और फीड का नेचुरल इंतज़ाम था, बल्कि जो हमारे देहातों के अंदर एक नेचुरल सिस्टम होता है वही इन्होंने अपने उधर माशाल्लाह मुहैया किया हुआ था नेचुरल तरीके से के साथ। और माशाल्लाह ये जो सिस्टम दूसरा होता है आर्टिफिशियल, ये बिल्कुल उधर इस तरह का सिस्टम नहीं था, सारा सिस्टम टोटल इनका ऑर्गेनिक ही था माशाल्लाह। हमें इसका, हम बाकी भी आइटमें बेचते हैं करते हैं, लेकिन इसका हमें ऑर्गेनिक 100% इसका रिजल्ट मिला माशाल्लाह, और लोगों ने इसकी रिपीट दी है अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि हमारा एक वैसे भी स्टोर ऑर्गेनिक स्टाइल में है और इस तरह के काम हम कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ इसकी जो क्वान्टिटी है आमतौर पे लोगों के पास शायद कोई एक दो पीस ऐसा हो, हमारे पास दर्जनों के हिसाब से लोग लेके जाते हैं, एक दर्जन, दो दर्जन, तीन दर्जन, दस दर्जन तक आम कस्टमर लेके जाता है। तो ये ऑर्गेनिक एग्स हैं, तो ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक एग्स का जो फ़र्क है उस हवाले से थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें। वो ये कि हमारा चूँकि ये फील्ड है कि हम ऑर्गेनिक चीज़ें बाकी भी सेल करते हैं, तो जो ऑर्गेनिक एग्स हैं और दूसरे का बहुत सारा फ़र्क है, वो हम तो उसको केमिकल स्टाइल में समझते हैं। जो ऑर्गेनिक है उसके सेहत के ऊपर बहुत अच्छे असरात हैं उसके। ये जो अमूमन होता है कि अंडा अगर इस्तेमाल करें तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ऐसा मसला नहीं है, ये इसका साइड इफेक्ट नहीं है इसका, बल्कि कुदरती तौर पर एक तवानाई मिलती है आम बंदों को। प्रोडक्ट बाय ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान।